जहां एक ओर ईरान अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मौत के सदमे से अब तक उभर नहीं पाया है, वहीं ईरान अंदर ही अंदर कई देशों से बदला लेने के लिए नई रणनीति बना रहा है। रफा पर इसराइल के खूनी खेल का ईरान बदला लेना चाहता है, इसलिए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखाने के लिए अब गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की ओर से जारी गोपनीय रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम बेहद विवादास्पद है और वो इस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील चाह रहा है। ईरान चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के बदले में आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए। ईरान के द्वारा परमाणु हथियार बनाने की बात और पुख्ता तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने चेतावनी दी कि ईरान परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। IAEA ने कहा कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को परमाणु हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के पास अब 60% की शुद्धता का 142.1 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। 60% शुद्धता के संवर्धित यूरेनियम से ईरान 5 से 6 परमाणु बम बना सकता है। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि ईरान उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से वो केवल कुछ घंटों में ही परमाणु बम बनाकर दाग सकता है। हालांकि ईरान बार बार ये दावा करता है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन उसके इरादों से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश वाकिफ हैं। ईरान में राष्ट्रपति रायसी की मौत के बाद अब खुद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। इसराइल हमास युद्ध के चलते मध्य पूर्व में तनाव में लगातार इजाफा हुआ है। इसराइल और ईरान ने पिछले महीने पहली बार एक दूसरे के क्षेत्र पर सीधे हवाई हमले किए। ईरान की ओर से संकेत दिया गया कि इसराइल के हमले के खतरे को भांपते हुए वो अपनी परमाणु नीति को बदल सकता है। इसलिए ये बात तो पक्की है कि ईरान परमाणु बम बना तो जरूर रहा है, लेकिन इसमें समय कितना लगेगा ये वक्त ही बताएगा।